तो केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ग्रेट लॉ यूज करके ग्रेट 4 और 5 दोनों में ग्रेट लॉ के कॉन्सेप्ट को देखे हैं। 4 वाला में वर्ड्स में दिया रहेगा, डबल होगा ट्रिपल होगा, उसके हिसाब से ग्रेट लॉ के हिसाब से हम लोग अपना रेट का इक्वेशन लिखे थे ROR। और दूसरा 5th लेक्चर में इनिशियल मेथड एंड टेबल फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हम लोग यूज करके ROR का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डेट लॉ। अभी तक जो भी लेक्चर किए हैं सारे में हम क्या देख रहे हैं, ROR लिख रहे हैं। पहला क्या था अपना, एवरेज ROR लिखे थे। जैसे कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी टू बी डिपस्टिक प्रोडक्ट, राइट। स्टार्टिंग में हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, R इक्वल टू या ROR जो बोले हम लोग, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, ये सब्सक्रिप्ट में ये जो इसका कोफिशिएंट रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, माइनस वन बटे डी इक्वल टू माइनस वन बाय टू डेल बी अपॉन डेल टी। और प्रोडक्ट मान लो यदि सी रहता है फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्ट को जैसे टू सी दिया हुआ है, व्हाट यू कैन राइट, वन बाई टू डेल सी अपॉन डेल टी, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा फिर इसी में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, जो टी के स्मॉल डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे थे। उसके बाद देन रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग रेट लॉ को यूज किए थे। उसमें क्या देखे थे हम लोग, R इक्वल टू कोई भी जैसे यही रिएक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को हम नहीं यूज करते हैं, राइट, क्या किए, K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्स B का पावर Y। X क्या था, व्हाट इज दी X, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओवर ऑल ऑर्डर एक्स प्लस वाई। अब इसमें एक्स और वाई निकालने के लिए टू टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए, एक वर्ड फॉर्म्स में दिया रहता था और दूसरा इनिशियल मेथड यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, वो यूज करके हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे। और इसी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, यदि ऑर्डर एक्स प्लस वाई, हाँ इसी में फिर ये क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम डिसाइड करते थे कि ऑर्डर क्या होगा ROR का, याद आ रहा है। रेट के इक्वेशन से हम लोग कैसे लिखते थे, ऑर्डर जीरो का यूनिट क्या होगा, डैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था मैं। ये जैसे रेट है, कैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो ऑर्डर जीरो है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या हो गया, इधर आर ओ आर, आर के क्या इक्वेशन लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डी आर अपॉन डी टी लिखते हैं ना, डेल ए अपॉन डेल टी, तो डेल ए क्या हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, इधर क्या हो गया यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान दो कैसे याद कर, कैसे रिकॉल किया जाता है, भूल भी गया तो इसका तो क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा मोल पर लीटर, और टाइम नीचे में डिनोमिनेटर में आ गया सेकेंड, ठीक। अब के हो गया ऑर्डर जीरो करने मतलब एक्स का भी जीरो और पावर और वाई का भी जीरो, तो ये वन हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो यूनिट के क्या क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मान लो ऑर्डर वन है तो आइडर या तो एक्स वन होगा या वाई वन होगा, एक जीरो होगा, अंडरस्टूड। तो ऑर्डर जीरो का क्या हो गया, रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ऑर्डर वन आ गया तो व्हाट यू कैन राइट, ये आ गया इस तरह से, राइट। अब याद करने कोई जरूरत नहीं है, ये तो इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, ये देखो मोल पर लीटर कट गया। के का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ये कहने सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर टू होने का मतलब ये स्क्वायर या दोनों बराबर ही है, तो क्या होगा मोल पर लीटर का होल स्क्वायर,
पिक अप कर लेंगे, तो याद करने की टेंडेंसी नहीं है, पता होना चाहिए कैसे, हाउ टू फाइंड आउट। ये यदि आपको मालूम रहेगा, समटाइम्स होता है कितने इक्वेशंस रहते हैं आदमी भूल जाते हैं, लेकिन चार नंबर लेना है तो एक एक मिनट प्रेशर डाल के निकाल के चार नंबर लेना है, दैट इज गुड, और कम से कम श्योर शॉट तो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको का निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, राइट बेटे। अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर के बारे में अपडेट में स्टडी करेंगे। पहले जीरो ऑर्डर को समझेंगे, उसके बाद ऑर्डर वन को समझेंगे क्या होता है, ऑर्डर टू ऑलमोस्ट नहीं, जीरो और वन पे ही पूरा फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से, राइट। जीरो ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया, एन का वैल्यू वन, एन क्या होता है, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट्स वैल्यू इज सॉरी जीरो जीरो। तो आज हम लोग का डिस्कशन पूरा रहेगा जीरो ऑर्डर पर, जीरो ऑर्डर पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जीरो ऑर्डर पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीरो ऑर्डर हम कब किस कंडीशन में होगा, जब n का वैल्यू जीरो होगा, n का वैल्यू जीरो होगा, राइट। इट मीन जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन दिया हुआ, ए गिव्स द प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये समझना, यानी फिजिकली जब ग्राउंड लेवल पर समझना जरूरी है, प्रैक्टिकली जीरो ऑर्डर कहने का मतलब क्या, हम अभी देखें कि भाई यदि इक्वेशन लिखते हैं आर ओ आर, व्हाट यू आर राइटिंग के, मान लो ये यही रिएक्शन ए गिव्स द प्रोडक्ट, के का ए का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, तभी ना होगा जीरो ऑर्डर। एन का वैल्यू, एन यहाँ एक्स है, एन इक्वल टू एक्स, एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, तो एन यहाँ सिंगल रिएक्ट, इस केस में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ओनली। जब एक्स का वैल्यू, एन का वैल्यू जीरो होने का मतलब एक्स का पावर जीरो, ये क्या हो गया, के इंटू वन। तो आर ओ आर हम क्या देख रहे हैं, कॉन्स्टेंट है, के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, के क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट है। इट डजेंट मीन, ये समझने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहा, रिएक्शन जब हो रहा है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा, लेकिन आर ओ आर कॉन्स्टेंट है, आर ओ आर है ना, आर ओ आर इक्वल टू के, क्या है इसको अंडरस्टैंड करने का, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि आर ओ आर कॉन्स्टेंट का मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, रिएक्टेंट तो रिएक्शन कर रहा, जैसे शुरू में मान लीजिए 100 है, समटाइम्स के बाद फिर ये कितना इसमें बच गया, 70 बच गया, फिर उसके बाद 60 बचेगा, फिर 40 बचेगा, फिर 30 बचेगा, फिर 20 बचेगा, 100% होगा तो जीरो होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम के साथ तो डिक्रीज कर रहा, बट एवरी टाइम क्या है, जब 70 पहुंचेगा तो आर ओ आर के रहेगा, 60 पहुंचेगा आर ओ आर के रहेगा, 30 पहुंचेगा आर ओ आर के रहेगा, यानी एवरी रेट कॉन्स्टेंट, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड तो सेम रहेगा, ये आर ओ आर के कहने मतलब क्या हो गया, स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज सेम इन जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, बट इट डजेंट मीन कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, डिक्रीज कर रहा, राइट। तो ग्राफ से कैसे इसको बताएंगे, जैसे मान लो आपका है रेट, रेट कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन का स्पीड, लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज बोले तो कि कितना स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन रेट वर्सेस यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे ए है यहां पर, तो ये जैसे जैसे बढ़ा है ये कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज होते जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बट रेट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जैसे जो भी होगा 4 वैल्यू हो 6 हो जो व्हाट एवर द वैल्यू, रेट कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो ये क्या है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट,
ऑलवेज कॉन्स्टेंट, टाइम के साथ भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यदि यही ग्राफ हमको रेट वर्सेस टाइम ड्रॉ करना रहे, रेट वर्सेस फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर यहाँ भी टाइम के साथ भी ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यानी जीरो ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं, स्पीड केमिकल रिएक्शन का हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज ही करेगा। ये कभी दिमाग में नहीं सेट होना चाहिए कि एक का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज। हाँ, लेकिन क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा, रिएक्शन का स्पीड जो होगा वो सेम रहेगा। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब फिजिकली क्या हो गया, लैंग्वेज में कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वी आइदर विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स को डेवलप कर लें, जो फॉर्मूला इसका है, राइट, इसको मिटा दूं ना मैं। इसे आएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही रहेंगे। अब जैसे मान लो इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको डिराइव कर लें। कोई रिएक्टेंट ए है, गिव्स दी प्रोडक्ट, गिव्स दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेट का इक्वेशन यहां पर क्या हो जाएगा, रेट और आर वी कैन से के ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो, ठीक है। और रेट को हम एवरेज रेट के एंड डिफरेंस इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में आर इक्वल टू वी कैन राइट माइनस, ये रिएक्टेंट है, तो वन बटे वन डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, रिएक्टेंट वाला माइनस साइन लगाते थे, ये दोनों सेम ही है, दोनों क्या, ये रेट, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आर ओ आर, ये इंस्टेंटेनियस रेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, रेट स्पीड तो सेम ही रहेगा। तो यानी ये राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड टर्म को वी कैन राइट डी ए अपॉन डी टी, वी कैन राइट के, ये वन ही हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, राइट। इसको और क्या लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, हमें निकालना हो तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कुछ यूज कर लेंगे दोनों साइड। अब ध्यान, बोथ साइड, यदि ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ध्यान से यहाँ से समझो, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ध्यान देने की बात क्या है कि मान लेते हैं एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो यानी इनिशियल, एट टी इक्वल टू जीरो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, ध्यान देखिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो एट टी इक्वल टू जीरो का मतलब इनिशियल, इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया ए नॉट है। आफ्टर सर्टेन टाइम टी, After certain time t, A का concentration हम मान लेते हैं, ये A not मान लिए हैं, तो A ही मान लेते हैं, रहने दो, ठीक है। After certain time t, A का concentration ये हो गया। ये ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर ये जो value लिखते हैं A, यानी कितना बच गया है reactant, कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो इनिशियली 100 है, एट टी इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर एट टी इक्वल टू जीरो, और आपसे कहा कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। 30% वर्ड को ध्यान देने का है, 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, इट मींस कितना ए का कॉन्सेंट्रेशन बच गया, 100 में से 30 गया 70, कितना बच गया रिएक्टेंट 70, तो ये जो बच गया वही अमाउंट है,
समझ गए? ये तो हम देसी भाषा में बता रहा हूँ, जो बच गया अमाउंट 30% बोलता है, 50% कंप्लीट हो गया, 70% कंप्लीट हो गया, तो व्हाट एवर कितना अमाउंट बच गया है, इसका बचा हुआ अमाउंट को हम लिखते हैं, ये नहीं कि 30 वाला लिखेंगे, राइट? समझ गए बेटे? तो ये क्या है कि कितना अमाउंट कंसंट्रेशन ए का बचा हुआ आफ्टर रिएक्शन, ये नहीं देखना ए कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ए का कितना बचा हुआ अमाउंट, वो ए स्पेसिफाई यहाँ हो रहा है। इस जैसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा 20% कंप्लीट हो गया, तो इट मीन्स आप ये नहीं लिखे कि ए का वैल्यू 20, ए का वैल्यू क्या होगा 100 में से 20 गया, 80 अमाउंट बचा, 80 मोल्स पर लीटर बच गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो तो यहाँ पर लिखें एट टी इक्वल टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, लोअर लिमिट दोनों का लिख दिए, एट टाइम टी पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए, आप इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ये क्या हुआ डी ए का इंटीग्रेशन, ए लिमिट डाल दो यहाँ ए, ए नॉट इसका से लिख सकते हैं इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है तो बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी, टी लिख दिए, लिमिट क्या दिया हुआ है इनिशियली जीरो फिर टी, अब वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ए फिर लोअर लिमिट ए नॉट माइनस के अपर लिमिट टी माइनस जीरो, यहां से ए का वैल्यू क्या आ गया ए इक्वल ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ए इक्वल टू क्या आ गया ए नॉट माइनस के टी, इस इक्वेशन को याद रखना है, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया ए नॉट माइनस के टी, ये दिमाग में सेट करना है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए यानी हम क्या देख रहे हैं रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, ये ध्यान से समझो थोड़ा सा इसको भी लैंग्वेज के टर्म में, ये आया क्या ये जो भी मैथमेटिक्स आता है उस पर पूरा को फोकस करना, मतलब क्या है वो समझना जरूरी है, तभी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो आया ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, टी टाइम है ना, टी पर कैपिटल लिख दिया है स्मॉल टी, इनिशियल अमाउंट टी इक्वल टू जीरो पे क्या है ए नॉट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये वैल्यू बढ़ते जाएगा के टी का, टी इक्वल टू वन पे के, टी इक्वल टू पे टू के, टी इक्वल टू थ्री पे थ्री के, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, ओवरऑल वैल्यू ये मानो शुरू में 100 है, ये के टी दिए, टी इक्वल टू 10, 10 के वैल्यू घटा, फिर टी इक्वल टू 20 की वैल्यू घटा, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन दे रहा है टाइम के साथ, ये मैथमेटिक्स क्या दे रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो बच गया उसका टाइम के साथ कितना वैल्यू रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी इक्वल 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 मिनट, इसी क्वेश्चन को यूज करें, ये क्वेश्चन देख क्या रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन देगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो रहा है। अब इसको ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, ये लिख लो बेटे, ये डेरिवेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम,
गया। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, ध्यान देखो ग्राफ से क्वेश्चंस पूछेगा, तो ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे। 100% क्वेश्चंस एक पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं बता दूँ। अब ये आया क्या, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इसको वाई लिख सकते हैं, इसको सी प्लस एम एक्स, एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला पे है, देखो जस्ट एनालॉगी है। इसका मतलब क्या होता है, एम क्या हो गया स्लोप, सी क्या हो गया वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जब इसका ड्रॉ करना होगा लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, C का वैल्यू क्या है A नॉट, स्लोप क्या है माइनस के, माइनस का मतलब स्लोप नेगेटिव है, ढलान नीचे तरफ डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। Y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, A नॉट पर, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम। तो t ऐसे भी देखो t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a नॉट, तो a नॉट पर यानी यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कर रहा है लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यही आएगा लाइन, a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी का। अब देखो ध्यान से स्लोप कितना दिए हैं, माइनस के, स्लोप क्या होता है हम पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर करते हैं, ये थीटा, इस थीटा का वैल्यू थीटा जो है यानी स्लोप हम क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, और टैन थीटा का वैल्यू कितना है माइनस के। अब ये है क्या रेट कॉन्स्टेंट, समटाइम्स आपको ग्राफ दे देगा और कहेगा कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। पहले तो ग्राफ देखकर आपको पकड़ना होगा कि जीरो ऑर्डर का दे रहा है, फिर क्वेश्चन आपको दे दिया कि ये एंगल 30 मेंशन किया हुआ करता, फाइंड दी रेट कांस्टेंट, फाइंड दी रेट कांस्टेंट, ये एंगल ऑफ किधर के स्लोप तो यहां से मेजर कर रहे हैं ना, ये ध्यान देने की बात, ये नहीं कि सीधे टैन 30 रख देंगे, टैन 30 नहीं होगा, स्लोप क्या है दिस एंगल, तो 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150, राइट, ये 150 यहां क्या रखेंगे tan 150 डिग्री इक्वल टू माइनस की, और के का वैल्यू निकाल कर रखेंगे, ये सावधानी बरतना है, ये नहीं कि देखते ही रख देना tan 30 रखती है, स्लोप हमेशा क्या से मेजर होगा एक्स एक्सिस से, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ग्राफ दे देगा इस तरह से, ग्राफ दे देगा, ये दे दिया मान लो तुमको ये 60 डिग्री, इस तरह से दे दिया राइट, और कहेगा फाइंड द रेट कांस्टेंट, फाइंड द रेट कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, के का वैल्यू टैन 30, टैन 120 इक्वल टू माइनस के, और ये क्या है टैन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 माइनस के, राइट, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला याद होगा, देखो ये कैसे करते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, एक्स एक्सिस पर 0 या 180 प्लस माइनस करेंगे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन हो कॉस हो टैन, वाई एक्सिस पर प्लस माइनस करेंगे यानी 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस फंक्शन चेंज, साइन का कॉस, टैन का कॉस, ठीक है, और उसका सेक का कॉस है, यहाँ पर क्या है 90 प्लस 30 वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, और क्या कर रहा है 90 प्लस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सारे फंक्शन निगेटिव, ठीक है, तो पहले क्या हो गया फंक्शन चेंज हो गया, पहला काम क्या हो गया, टैन थीटा है तो कॉट थीटा में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे कॉट 30 डिग्री,
साइन क्या होगा, माइनस साइन, माइनस लिख देंगे, ये क्या आएगा से माइनस के। और टैन थर्टी का वैल्यू, टैन थर्टी का वैल्यू रूट थ्री बाई टैन वन दे दो, भूल गए, साइन थर्टी वन बाई टू, कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू, दोनों को डिवाइड मार दो, रूट टू क्या वन बाई रूट थ्री, तो कॉस थर्टी कितना हो जाएगा रूट थ्री, तो के का वैल्यू क्या हो गया रूट थ्री। इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, समझ गए बेटे। तो ग्राफ देकर, ग्राफ देकर पहले तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि जीरो ऑर्डर है, और इस तरह से स्लोप देकर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड अभी। ठीक है, क्लियर हो गया। बस इसमें सावधानी यही रखना है स्लोप का, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। यदि इस बार टेस्ट में नहीं डाला हुआ तो फाइनल वाल में डालेगा ये क्वेश्चन। इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है पैटर्न रिपीट होते हैं बार बार, तभी तो अब थोड़ा सा एग्जाम इसलिए आसान हो गया, इतने मटेरियल कंटेंट हैं कि लोग 60-70% क्वेश्चन अनुमान कर लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन से आएंगे। मिटाओ बेटे, अब कुछ टर्म और डिफाइन करते हैं। अभी तक हम लोग क्या फॉर्मूला ड्राइव किए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एक और टर्म फिर हम बोलते हैं हाफ टाइम, नाम से ही क्लियर है, हाफ चाय लीजिए, दुकान में आप जाते हो ना, इधर तो नहीं, साउथ में बोलते हैं वन बाई टू दे दीजिए, वन बाई थ्री कप चाय दे दीजिए, वन बाई टू का मतलब आधा कप, दो आदमी जा रहे हैं वन बाई टू कर देना भाई, हाफ यानी हाफ ऑफ दे देना, तीन आदमी है तो वन बाई थ्री कर देना, राइट। तो सेम उसी तरह से हाफ टाइम करने का मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन कितने देर में आधा हो जाएगा 50%, यानी 50% कंप्लीट, बच कितना गया 50। तो टाइम टेकन इन विच, टाइम टेकन इन विच रिएक्शन रिएक्शन कंप्लीट 50%, कहने का मतलब 50% कंप्लीट हो गया, बच कितना गया 50। 50% कंप्लीट, हमें हमेशा बचने पे ध्यान देना है, कितना रिएक्शन हुआ उससे लेना देना नहीं है, कितना बच गया हमेशा पैसे बचने पे ही ध्यान दिया जाता है, खर्च पे तो ध्यान ही नहीं देना। यदि कोई कहे अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज योर सैलरी, जॉब प्रोफाइल में जो है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि महीने का सैलरी वो होता है जो आप सेविंग करते हो, भले मेरे 2 लाख सैलरी हो और बच रहा है 10, तो सैलरी 10,000 है, कोई मान लो 50,000 ही कमा रहा है और 30,000 बचा रहा है, मेरे से वो बेटर है। इसी तरह से यहां भी हम लोग सेविंग पे ध्यान देंगे, कितना बचा, कितना खर्च हुआ उसे मतलब नहीं है, कितने बच रहा है उससे लेना देना है। तो क्या करा कि टाइम टेकन इन विच दी रिएक्शन कंप्लीट 50%, 50% कंप्लीट हो गया, तो कितना टाइम लगेगा, देखो ये इक्वेशन अभी लिखे ना, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना हो गया, मान लेते शुरू में 100 अब 50 यानी हाफ ए बाई टू, यही हो गया ना, तो ये कितना बच गया ए बाई टू, मान लेते टी टाइम के बाद ए बाई टू बचा, इसको टी हाफ लिख देते, टी हाफ का मतलब हाफ टाइम इक्वल टू, तो इनिशियल यदि ए नॉट है तो ए नॉट बाई टू ना बेटे, इनिशियल यदि अमाउंट ए नॉट लिया है तो ए नॉट बाई टू, राइट हैंड साइड में ए नॉट माइनस के टी हाफ, व्हाट इज द टी हाफ
jt half equal to a naught minus a naught by 2, we can say a naught by 2. What is the formula? T half a naught by 2k. A naught by 2k. तो कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर में कितने यानी कंसंट्रेशन 50% कब होगा, कितने देर में होगा, उसका क्या आ गया फॉर्मूला टी हाफ, याद करें को जीरो ने नॉलेज रखी है ए अपॉन टू के, ए अपॉन टू के हाफ टाइम क्या कहा जाता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। हाफ टाइम मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक 50% यानी कब हो जाएगा, आधा कब हो जाएगा, कितने देर में आधा हो जाएगा, तो ए अपॉन टू के टाइम। ठीक है बेटे, फुल टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट, व्हाट इज योर लाइफ टाइम अचीवमेंट, पूरे जिंदगी में आपने क्या कमाया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसी तरह से लाइफ टाइम कहने का मतलब पूरा रिएक्शन 100% कितने देर में कंप्लीट होगा, लाइफ टाइम कहने का मतलब पूरा रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगा, लाइफ टाइम टाइम टेकन इन विच रिएक्शन कंप्लीट 100% 100% बचा क्या, सब पैसे खर्चा हो गया तो 0 रुपया बचा, सब खर्चे हो गया तो बचा क्या, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन में, यानी ए का वैल्यू 0, बचा ही नहीं कुछ, सारा खर्च हो गया, 0 सैलरी मेरा, तो 0 लिख दिए ए नॉट माइनस के टी, ये लाइफ टाइम अवार्ड टी लाइफ। तो व्हाट इज टी लाइफ, ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के। इसमें खासियत देखो कितना है, थोड़ा सा और डीप में हम लोग जाए तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या देखा, ये आ गया टी लाइफ ए बाई के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको मिटा दो ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि ए का क्वेश्चन ए नॉट इनिशियली में दिया हुआ है 100, ठीक है, जो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, और देखना प्रॉब्लम यदि एग्जाम में आएगा तो इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन प्लस टू में ये तरीका को फॉलो नहीं करेंगे, वो भी मैं प्रॉब्लम हूँ, प्लस टू में जैसे रूल के हिसाब से फॉर्मूला को यूज करके करेंगे, लेकिन जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इनिशियल मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ए का 100 है, मोल पर लीटर, 100 का मतलब मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमेशा यहाँ मोल पर लीटर अंडरस्टैंड बनाते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन मान लो 50 होने में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई 10 सेकेंड लगा, यानी टी हाफ 10 सेकेंड, ठीक, और यही इसको 0 होने में, यहां से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, a बाई टू के a बाई के दोनों में क्या रिलेशन आ रहा, यदि ये 10 है तो ये डबल हो जा रहा, डबल हो जा रहा ना, तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, आधा होने में 10 सेकेंड, पूरा होने में 20 सेकेंड। तो हाँ टी हाफ ए नॉट बाई टू के, हाँ हाँ ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों में रिलेशन टी हाफ और टी फुल में देखेंगे तो क्या है, डबल हो जा रहा है टू फुल, ये क्या है, ए टी हाफ इक्वल टू ए बाई टू के, इसको ट्वाइस कर दोगे तो दे देगा टी टी फुल लाइक, ट्वाइस कर दो तो सही ए बाई के आ गया, लाइफ टाइम अवार्ड हाफ से डबल हो जा रहा है। तो जब मुझे मालूम है कि हाफ होने में 10 सेकंड दिया हुआ है तो बिना सोचे समझे बिना फॉर्मूला लगाए खटाक देना बोल सकते 20 सेकंड लगेगा,
और वी कैन से कोई पूछे कि 50 से 100 जीरो होने में कितना लगेगा, आप भी बोलोगे 10 सेकंड सर। समझ में आ रही बेटे? इसमें क्या फॉलो हो रहा है? यूनिटरी मेथड जो हम लोग बोलते हैं ना, 10 पेन का दाम 20 रुपया, 2 पेन का दाम 10/20 × 2। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझो, ये तो बस जस्ट बेस दे रहा हूँ कि इसके प्रॉब्लम को आप देखते ही तुरंत आंसर मारो एग्जाम में। कैसे मारोगे? ये तो जैसे यही प्रॉब्लम दे दिया, 100 दिया हुआ है, 50 होने में 10 सेकंड लगा, ठीक है, आपसे बोलेगा 100% कंप्लीट हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, देखते तुरंत समझ गए 20 सेकंड लगा, राइट। एज यूजुअल जब फॉर्मूला से भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो समझाना चाह रहा हूँ और पूरी तरह से कम्पिटिटिव मोड के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखते ही आंसर भी, टाइम भी तो बचाना है, तो अब यही सब टाइम ढूंढना कहाँ हम किस प्रॉब्लम में बचा सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम हम टाइम को बचा सकते हैं। अब यही सेम चीज मान लो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कोई भी ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपसे कह रहा है इनिशियल मान लेते हैं 100 मोल पर लीटर दिया हुआ, 90% कंप्लीट होने में, 90% नहीं, इसको 90% कंप्लीट होने का मतलब यानी 90 बच गया, 90% कंप्लीट होने का मतलब कितना बच गया, नहीं एक मिनट रुक जाओ, 90 यानी 100 में 90 चला गया, बच गया 10, बच गया 10, 10% रख दो, 10% कंप्लीट हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना 90, बच गया 90 अमाउंट। इसके लिए टाइम मान लो तुमको दे दिया 5 सेकंड लगा हुआ, क्या दिया है 100 से ऐसे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, 90% 10% कंप्लीट होने में 5 सेकंड लग रहा है, 10% कंप्लीट होने में 5 सेकंड, आपसे बोला कि भाई 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 60% कंप्लीट होने का मतलब कितना बच गया 40, कितना बच गया 40, ठीक है 40, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर फर्दर हम 90 से मान लो 20% कंप्लीट हो गया, यानी 80 पे पहुंचेंगे तो टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड, अभी देख लिया है, 10 डिक्रीज हुआ तो 5 सेकंड, फिर यहाँ 90 से 80 गया तो फिर 5 सेकंड, फिर 80 से 70 गया 5 सेकंड, यूनिटरी मेथड फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कितना पहुंच गया 70, कहाँ तक हमको जाना है 40 तक, 40 तक पूछ रहा है ना, 40 जब 60% कंप्लीट हो गया बचने का अमाउंट 40, 70 से फिर 60 गए फिर 5 सेकेंड, 60 से 50 गए 5 सेकेंड, 50 से 40 गए, 40 पहुंच गया 5 सेकेंड, सारे 5 सेकेंड ऐड कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 सेकेंड, फटाफट कैलकुलेट कर ली, क्या करें यूनिटरी मेथड। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर के प्रॉब्लम में, जीरो ऑर्डर के प्रॉब्लम में यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहे हैं जल्दी से सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्लस टू में पूछेगा तो ये रास्ता नहीं अपनाएंगे, उसके लिए भी रास्ता बता रहा हूँ, यूज दी फॉर्मूला जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। तो जैसे लेकिन है कि अब जैसे ये तो राउंड फिगर में दे रहा है ना, अब 33.33% दे रहा है तब तो मुश्किल है, तब तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 10%, 50%, 70% उस तरह का प्रॉब्लम देगा तो खटाखटा, और एग्जाम में नीट में उसी तरह से या मीन्स में देगा वो, वहाँ उसको कैलकुलेशन नहीं चेक करना है, उसको देखना है कि बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं और कितना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कभी भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए जाते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन में फंसाएगा, कैलकुलेशन में कहीं नहीं फंसाएगा, उसको हर पॉइंट पे चेक करना है आपका कॉन्सेप्ट, उस चीज के वो सारे सिर्फ सिर्फ प्लस टू के बोर्ड एग्जाम के लिए ही रहेगा, क्या वहाँ अप्रोच ही देखा जाए, वहाँ आपको टाइम से मतलब नहीं है कि आप कितना पास करना है, अप्रोच आपका सही है कि नहीं वो देखा जाएगा, राइट बेटे। जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं,
जैसे दिया हो राइट द प्रॉब्लम फॉर ए कोई रिएक्शन है ए गिव्स द प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर if time taken for taken for 50% if time taken for 50% completion is 2 minute not meter minute ठीक है find the time required for 75% completion of reaction ठीक है जीरो ऑर्डर दिया हुआ है पहला क्या कर रहा है कि 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रहा है 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा यही बात कर रहा है तो हमें क्या आया है जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला a = a0 - kd इस तरह से बोर्ड एग्जाम में जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन a = a0 - kd पहला क्या कर रहा है 50% कंप्लीट होने में यानी बच कितना गया 50 तो इनिशियली मान लेते हैं ठीक है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू यानी a नॉट का वैल्यू 100 ठीक है t इक्वल टू 2 मिनट में कितना हो जा रहा 50 t इक्वल टू 2 मिनट में कितना हो जा रहा 50 यानी a का वैल्यू 50 हो गया a का वैल्यू 50 सारे वैल्यू याद रखे t का वैल्यू निकाल सकते हैं पहले अननोन जो है यू राइट हियर a की जगह पर 50 - 100 के टाइम 2 मिनट यानी मिनट में दिया होगा आंसर तो मिनट में रख देंगे सेकंड में दिया और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे जैसा बिट दिया रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे मान लेते फॉर एग्जाम्पल मिनट में दिया तो मिनट में ही छोड़ दिए यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 2k = 50 k = 50/2 25 यूनिट मोल पर लीटर सेकंड ये ध्यान रखना है ठीक है अब आगे क्या कर रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ठीक है तो इनिशियल आप फिर लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन इनिशियल अमाउंट 100 बच कितना गया 25 के का वैल्यू अब मालूम है टी का वैल्यू निकाल लेंगे वही टी पूछ रहा है तो फिर अगेन राइट जो सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है ए नॉट 100 ए का वैल्यू 75% निकल गया तो 25 बच गया राइट सारे का वैल्यू को रख दें इस इक्वेशन में 25 a not 100 k का वैल्यू निकाल चुके हैं 25 into t what is we are getting here 25 t 100 में से 25 गया 75 t = 3 minute तो बोर्ड में पूछेगा तो इसी तरह से करेंगे बोर्ड में पूछेगा तो इसी तरह से करेंगे ठीक है बेटे आप शॉर्टकट टेक्निक से कैसे करेंगे उसको भी देख ले हम लोग ऊपर से बता दूं मैं यही सेम क्वेश्चन आपको आपको मालूम नेट में या मेंस में दे दिया हाउ टू सॉल्व जो अभी ड्यूरेटिव मेथड को फॉलो कर लो क्या कर रहा 100 है इनिशियली ठीक है
50% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 50, टाइम कितना लगा 2 मिनट, आधा होने में 2 मिनट, ठीक है। अब पुट कितना रहा, 25 होने में कितना लगेगा, 0 फिर 50 से 0 होने में कितना लगता, 2 मिनट, उसका आधा 1 मिनट, 2 + 1 = 3 मिनट, निकल गया ना। तो नेटिव मेथड जीरो कंपटीशन में जीरो ऑर्डर के लिए, वन ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर में ही फॉलो होगा। 50 आधा होने में 2 मिनट, 50 से फिर 0 होता है, यहाँ फिर 2 मिनट लगता, इस दोनों का आधा 1 मिनट, टोटल टाइम 2 + 1 = 3 मिनट, उधर भी 3 मिनट आया। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए उसी वो वही तरीका अपनाना है, फिर और प्रैक्टिस करें इसी तरह का। फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है, अब क्या कर रहा है, इट टेक्स टू मिनट टाइम फॉर 50% कंप्लीशन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.3% कंप्लीशन। अब यहाँ पर वो ट्रिक्यूनेट्री वाला मुश्किल है, क्योंकि 33.3 दे दिया तो 30% देता तो बात भी बन जाता, तो इसको उसी तरीका से अपनाएंगे हम लोग, इसको करो तो बेटे फटाफट 2 मिनट में, तब मैं फिर बताता हूँ। आ गया a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, 50% बच गया, a नॉट 100, k 2 मिनट लगा, 2 मिनट डाल दिए, k का वैल्यू निकाल लो पहले, 25 आएगा ना, 25 सेम बोला है। अब दूसरे के लिए k मालूम चल गया, 33.3%, तो कितना बच गया, 100 में से उसको सबट्रैक्ट कर दे, 66 इक्वल टू 100 माइनस k 25 इंटू t, टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1.3 समथिंग आएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं,
अभी हो गया बेटे, आ गया। राइट द क्वेश्चन फॉर द फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20%, फॉर 20% कंप्लीशन, 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट एंड 40% कंप्लीशन इज 80 मिनट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर ए रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट। कोई भी रिएक्शन, ये कुछ नहीं पता है कि जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। सिर्फ क्या दिया हुआ है कि 20% कंप्लीट होने में 40 मिनट्स लग रहे हैं, 20% कंप्लीट होने में 40 मिनट्स, और फर्दर फिर क्या कह रहा, 40% कंप्लीट होने में 80 मिनट्स। देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कि रिएक्शन किस टाइप का है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम पूछता है तो इसमें हम लोग के पास क्या है, कम्पिटेटिव में पूछता है कि 10 टाइम। 99% क्वेश्चंस को हम जीरो ऑर्डर एज्यूम करके कर लेंगे। अब कैसे चेक करेंगे? जीरो ऑर्डर यदि एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं जीरो ऑर्डर यदि है रिएक्शन, तो उसका रेट कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। यदि कांस्टेंट आ गया इट मीन्स जीरो ऑर्डर एंड के का वैल्यू निकालेंगे। एज्यूम कर लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली 90% फर्स्ट स्टाइप में जीरो ऑर्डर आप मान के कीजिए। जीरो ऑर्डर मान के कीजिएगा यदि रेट कांस्टेंट सेम आ जाता है दोनों केस में, इट मीन्स इक्वेशन क्या है ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। यदि नहीं आएगा तो ऑर्डर वन चला गया, क्योंकि मोस्टली आपको जीरो ऑर्डर वन ऑर्डर ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन को इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड एज्यूम कर लेंगे कि नहीं दिया हुआ है जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का हमें पता है इक्वेशन क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया इसको पुट करके के का वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्या दे रहा है, 20% कंप्लीशन, बच कितना गया 80 इधर लिख दिए, ए नॉट 100 माइनस के टाइम 40 मिनट्स दिया हुआ है, इंटू 40 कर दिए। यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेते हैं, के इंटू 40 और ये इधर चला गया 20, व्हाट वी आर गेटिंग के 20/40 1/2। दूसरा केस को भी चेक करते हैं, के का वैल्यू कितना आ रहा है। दूसरा क्या करा, 40% कंप्लीशन, बच कितना गया 60, बच गया 60, इनिशियल 100, टाइम कितना लगा 80, टाइम 80 मिनट, हाँ ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इंटू 80, 100 में से 60 गया 40, के का वैल्यू आ गया 1/2 कॉन्स्टेंट सेम। इट मीन्स ये ऑर्डर क्या हो गया, जीरो ऑर्डर, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 मोल पर लीटर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये ट्रिक को हम लोग अपना कर सॉल्व करेंगे। अजय जानने देते हैं।